हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार जब से मैंने स्ट्रेटनिंग कर्ली वाली वीडियो बनाई है ना, मेरे हर वीडियो पे भर भर के कमेंट आते हैं हेयर सीरम के बारे में कि हेयर सीरम क्या है, आपने क्या अप्लाई करा। इस तरह के क्वेश्चन ना आज तक मुझे रिसीव होते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी हेल्प करी जाए, प्रॉपर वीडियो में हेयर सीरम के बारे में सब चीज़ें बताई जाए। तो हेयर इट इज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर सीरम के बारे में A to Z सारी चीज़ें। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर सीरम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे मिले थे कि हेयर सीरम होता क्या है। तो उन लोगों के लिए बता देती हूँ मैं, मेरे पास ये लॉरियल का सीरम है। तो ये कुछ इस तरह से सीरम आता है लिक्विड फॉर्म में, ये ऑयल के जैसा ही होता है बट ये ऑयल नहीं होता है। अब ये लगाने का क्या फ़ायदा होता है, ये हमारे बालों के ना ऊपर लेयर पे ही रह जाता है, बट अगर आप ऑयल लगा लेते हो तो वो हमारे बालों के अंदर चला जाता है, जिससे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी समझ में आते हैं। बट हेयर सीरम लगाने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी ऑयली और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगते हैं। सो ये डिफरेंस है हेयर सीरम और ऑयल में। तो अब बात करते हैं हेयर सीरम के बेनिफिट के बारे में। तो बेनिफिट सबसे पहला ये है कि जैसे आप हेयर सीरम लगाओगे ना, आपके बाल बिल्कुल फ्रिज फ्री हो जाएंगे। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं ना वॉश करने के बाद, तो आप हेयर सीरम अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छे से आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, बहुत ही फ्रिज फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है। सेकंड फ़ायदा ये है कि इसको लगाने से आपके बाल शाइनी भी हो जाते हैं, यह बहुत ही अच्छी शाइन आपके बालों में प्रोवाइड करती है। तो सेकेंड बेनिफिट इसका ये है। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाता है ना, बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं ना सोने के बाद, आप सुबह उठते हो या फिर आप दिन भर बाहर रहने के बाद आते हो और शाम को बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो आप सीरम लगा के अपने बालों में अगर कॉम करते हो तो बाल बहुत ही अच्छे से टैंगल फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो थर्ड इसका बेनिफिट ये है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि अगर आपको कंडीशनर सूट नहीं करता या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप कंडीशनर अप्लाई नहीं करते ना, तो हेयर सीरम बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। कंडीशनर की जगह पे आप हेयर सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट देगा, इवन उसे बेटर इफेक्ट ही देगा। तो ये है हमारा फोर्थ बेनिफिट। अब नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है, जो आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी कि स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग से पहले मैं यूज़ करती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आप हेयर सीरम लगा के अपने बालों को स्ट्रेट या कर्ल करोगे ना, तो आपके बाल में ये बहुत अच्छा हीट प्रोटेक्शन का काम करेगा। बालों में हीट की वजह से जो भी बाल डैमेज होते हैं ना, उसको ये बहुत हद तक कम कर देता है। डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती ना हमारे बालों में, बीच में सीरम की लेयर हो जाती है जिसकी वजह से डायरेक्ट हीट नहीं पड़ता है और हमारे बाल थोड़े से कम डैमेज होते हैं। तो ये थे इसके 5 बेनिफिट्स। और अब बात करते हैं कि हेयर सीरम को कैसे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहला तरीका है हेयर सीरम अप्लाई करने का, जब भी आप अपने बालों को वॉश करके आओ ना, कि आपके बाल में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए और बाल सूखना भी नहीं चाहिए, हल्के से गीले रहने चाहिए, डैम्प रहना चाहिए ये बाल। और उन बालों में आपको हल्का सा हेयर सीरम लेना है, हाथों में अपने 3 से 4 ड्रॉप हेयर सीरम लेना है और अपने बालों में अप्लाई कर देना है। इसके बाद बालों को छोड़ देना है। बाल जब ड्राई होंगे ना, आप देखोगे आपके बालों में अच्छे से शाइन मिल जाएगी, आपके बाल फ्रिज फ्री हो जाएंगे, इंस्टेंट आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा। सो ये था इसका यूज करने का पहला तरीका। सेकेंड मेथड में आप इसको यूज कर सकते हैं टैंगल फ्री करने के लिए, जैसे मैंने बोला। तो जब भी आपके बाल उलझ जाते हैं ना, हल्का सा हाथों पे लो, इसको अप्लाई करो और कॉम करो, आपके बाल बिल्कुल टैंगल फ्री हो जाएंगे। थर्ड मेथड यही है कि आप स्ट्रेटनिंग कर्लिंग से पहले यूज़ कर लो इसको, इससे आपके बाल डैमेज कम होंगे। फोर्थ मेथड ये है कि अगर आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हो ना, तो हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर आपके बेबी हेयर्स वगैरह निकल जाते हैं, आपका हेयर स्टाइल उतना क्लीन नहीं लगता ना, तो भी आप अपने हाथों पे लेकर हल्का सा हेयर स्टाइल बनाने के बाद हल्का सा लगा लो, या बनाने से पहले भी लगा सकते हो। इससे जब आपका हेयर स्टाइल जो भी आप बनाओगे वो बहुत ही नीट और बहुत ही क्लीन हेयर स्टाइल बनेगा। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे फेवरेट 3 हेयर सीरम के बारे में, जो अफोर्डेबल भी हैं और अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो सबसे पहला मेरे पास है ये लिवॉन का हेयर सीरम, बिल्कुल छोटू से पैकेजिंग में इसका आता है और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़ ओनली। काफ़ी छोटा सा है, तो अगर आप बहुत ही कम हेयर सीरम यूज़ करते हो या बाल बहुत छोटे हैं ना, तो आप इससे ले सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेरा जो हेयर सीरम था वो यही था, सो मैंने इसको यूज़ कर लिया पूरा। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सीरम बचा हुआ है, बिल्कुल हल्का सा बचा हुआ है, मैंने इसको पूरा यूज़ कर लिया है। तो ये था हमारे फर्स्ट सीरम। इसके बाद जो सेकंड सीरम मैं यूज़ करती हूँ वो है स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, एंड इसको भी अगर आप देखो ना, तो ये भी इतना ख़त्म हो चुका है, लगभग 70% ख़त्म हो चुका है। तो इसे भी मैंने ना भर भर के यूज़ करा है। ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है और इसकी प्राइस है 110 रुपीज़ ओनली। तो इसकी क्वांटिटी 20 ml मिलती है, बट जो स्ट्रिक्स वाला है ना, इसकी क्वांटिटी आपको 45 ml मिल जाती है 110 रुपीज़ में। तो अगर आपको अफोर्डेबल हेयर सीरम चाहिए ना, तो इन दोनों में से कोई भी आप हेयर सीरम ले सकते हैं।
थर्ड है मेरा फेवरेट लॉरियल का हेयर सीरम एंड इसे मैंने परचेस करा है उन दोनों को ट्राई करने के बाद। इसके बारे में तो इतने अच्छे रिव्यूज थे ना, उन्हें देख के मैंने इसको परचेस करा। सो इसे भी आप देख सकते हो मैंने लगभग इतना खत्म कर दिया है, मैं इतना ज्यादा अप्लाई करती हूँ कि ये भी आप देख सकते हो इतना खत्म हो चुका है। एक महीने पहले मैंने इसको बाय करा था। सो ये लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है एंड इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, ये थोड़ी महंगी है। सो इससे मैंने लिया था आई थिंक 400 समथिंग रुपीज में, तो उसके प्राइस तो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ये 100 ml का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो काफ़ी दिनों तक ये चलने वाला है। सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड इनको बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए अगर मैं पर्सनली आपको बताऊँ ना तो हेयर सीरम ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे बालों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।